अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नेक आलम है। मैं फिटनेस कोच एंड टेक्वांडो मास्टर आपके लिए फिटनेस एक प्रोग्राम डिजाइन करके आए हैं जो बिगिनर्स है आप और जो जिनका वेट ज्यादा है, हेवी वेट से, उनके लिए एक प्रोग्राम डिजाइन किया है। मैं आपके साथ ट्रेनिंग करूंगा, जो मैं एक्सरसाइज एग्जैक्टली आपको बताऊंगा उसी को आप फॉलो करेंगे। ये प्रोग्राम्स है बिगिनर्स और जिनका हेवी वेट है उनके लिए प्रोग्राम है। तो सबसे पहले एक डिसिप्लिन की बात करेंगे फिटनेस जर्नी शुरू करने से पहले। यह है कि जब आप फिटनेस किसी भी कहीं पे शुरू करते हैं तो सबसे पहले डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दरमियान आपने मोबाइल को जो है यूज़ नहीं करना है, कॉल अटेंड नहीं करना है। आप 24 आवर्स जो है आप काम करते हैं, वो 24 आवर्स अपने फैमिलीज के लिए काम करते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान के मईशत को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का मईशत को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। और ये आप 35 मिनट 40 मिनट आप जब वर्कआउट करेंगे सिर्फ ये आपके लिए है, ये वर्कआउट आपके लिए है। इसको ज़्यादा फोकस करना है और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ मोबाइल स्विच ऑफ, लोगों से ज़्यादा बात नहीं करनी है। जितना मैं ब्रेक बोलूं इतना आपने ब्रेक लेनी है, जहां जितना रिपीटिशंस के लिए मैं बताऊं इतना रिपीटिशंस आपने करनी है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम शुरू करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज। वार्म अप एक्सरसाइज कैसे करते हैं आपने मुझे फॉलो करनी है। आपने आर्म सर्कल करनी है 10 रिपीटिशंस, काउंट भी करनी है 10 रिपीटिशंस, ये बिल्कुल स्लोली, वेरी गुड। यहाँ से आपने चेंज करना अदर साइड 10 रिपीटिशन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डन। इसके बाद आपने लेग स्विंग करनी है स्लोली, नी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना, नीज बेंड नहीं करनी है। आपने किसी चीज़ से सपोर्ट लेना, हेल्प कर लेना है और आपने लेग स्विंग करना है। हाउ मच हाउ यू कैन स्विंग योर लेग चेंज। अभी दूसरी जो है पाँव पे जो है आप लेग स्विंग करेंगे 10 रिपीटिशंस, डन। इसके बाद आप दूसरी वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, आप फ्रंट लेग बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, बैक लेग जो है आप बेंड करेंगे, रिच डाउन। ये आपकी वार्म अप एक्सरसाइज है। इस तरह आप 10 रिपीटिशंस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे पुशअप्स। पुशअप्स आप अच्छे फॉर्म में करना है, प्रॉपर तरीके से करना है, आपका पोस्चर ठीक हो, आपका फॉर्म ठीक हो। पुशअप्स कैसे करनी है मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आप बिगिनर्स हैं, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, आप नीज से हेल्प लेंगे इस तरह। ये आपका पाँव ऐसा होगा, आपका जो हाथ है आपके शोल्डर से 1.5 इंचेस बाहर होगा हाथ, ये इस तरह। यहाँ से आप पुशअप्स करेंगे, आप 5 पुशअप्स करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। आपने हिप को ऐसे करके आपने पुशअप्स नहीं करने, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। आपने हिप को ड्रॉप करना है, अपना बॉडी बिल्कुल ब्रिज की तरह बनाना है और आपने चेस्ट को बिल्कुल डाउन करना है, टच ऑन द फ्लोर अप, इस तरह आप 5 रिपीटिशंस करेंगे। अगर आप रेगुलर पुशअप्स कर सकते हैं तो आप पुशअप्स करेंगे, आपने अपने शोल्डर से आपके हाथ 1.5 इंच बाहर होंगे और आपने 5 पुशअप्स करनी है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये 1, 2, 3, 4, 5, डन। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे साइड स्टेप रिच डाउन टू फॉरवर्ड प्रेसेस। ये 2 kg डंबल्स है। अगर 2 kg डंबल्स आप कैरी नहीं कर सकते हैं तो आप खाली हाथ भी कर सकते हैं। आप मुझे देखना है साइड स्टेप रिच डाउन टू फॉरवर्ड प्रेस केसेस करनी है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आपने स्टेप लेना है, आपने बैक लेग बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, फ्रंट लेग आपने बेंड करनी है, 1, ये
फॉरवर्ड प्रेस, ये आपने 5 रिपीटिशंस करना है। अगर आप इस डंबल को कैरी नहीं कर सकते तो आप खाली हाथ भी करेंगे विदाउट डंबल्स। आप देखना, हम इसमें सिर्फ साइड से ब्रिज डाउन करेंगे। ये 5 रेप्स करेंगे, ये तेज करनी है इस तरह। आपने 5 रेप्स करनी है। सेकंड एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा, सेकंड एक्सरसाइज करेंगे हम स्क्वाट, ठीक है। उसके साथ फॉरवर्ड स्टेप, साइड रेजेस करेंगे डंबल्स। सबसे पहले हम फर्स्ट स्क्वाट करेंगे। स्क्वाट कैसे करनी है मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपके घर में कोई चेयर होगा, उसी पे आप स्क्वाट करेंगे। स्क्वाट कैसे करनी है, आप ये चेयर से थोड़ा सा आगे आप खड़े होंगे, आपका हाथ यहीं पर होगा, ठीक है। आपने जस्ट सिंपल इस चेयर पे आपने बैठना है, आपने नीज पे बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना है। आपका बैक स्ट्रेट होगा, नीज पे बिल्कुल प्रेशर नहीं। आपने बम को पुश बैक करनी है, अप डाउन, अब बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, नीज पे बिल्कुल प्रेशर नहीं। आपने 10 रिपीटिशंस करनी है। ये अगर आप स्क्वाट प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं तो फ्लोर पे करेंगे 10 स्क्वाट्स। मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो मेरे नीज पे बिल्कुल प्रीप्रेशर नहीं आ रहा, हाथ यहाँ पे 10 स्क्वाट्स करनी है, ऑल द वे डाउन, 90 डिग्रीज डाउन होना है, अप। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने करनी है डंबल फॉरवर्ड स्टेप टू साइड रेजेस, ये शोल्डर के लिए है। यह आपने देखना है, अगर आप लोग जो है डंबल्स के लिए 2 kg डंबल्स है, ये यहाँ पे आपने एक स्टेप लेना है साइड रेजेस, फॉरवर्ड स्टेप टू साइड रेजेस। ये 10 रेप्स करनी है। ये देखो ये बिल्कुल सिंपल है, फॉरवर्ड स्टेप टू साइड रेजेस, 10 रेप्स करनी है। ये आपने हर दो दो जो एक्सरसाइज का मैंने एक स्टेप सेट बनाया है, इसको आप 3 दफा आपने रिपीट करनी है। जितना रेप्स मैंने बताया उसी रेप्स को फॉलो करते हुए जब आपका 3 रेप्स कंप्लीट होगा तो सिर्फ आपने 30 सेकेंड का ब्रेक लेना है। अभी मैं थर्ड एक्सरसाइज के थर्ड सेट करके दिखाऊंगा। ये थर्ड एक्सरसाइज के दोनों एक्सरसाइज 3 टाइम आपने 3 दफा रिपीट करनी है, और 3 दफा रिपीट करने के बाद 30 सेकेंड आपने ब्रेक लेनी है। अभी हम करेंगे वर्कआउट्स। वर्कआउट्स कैसे करते हैं आप लोग देख लेना। ये आप बिल्कुल सीधा खड़े होंगे, ठीक है। आप यहाँ से हाथ से चलना शुरू करेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। आपने बॉडी को ऐसे ड्रॉप नहीं करना है, बॉडी को आपने ब्रिज की तरह रखनी है। आपने कोर को फोकस करना, स्क्वीज करना है, और आपने खड़ा होना है। ये वेरी सिंपल, ये आपने 10 रेप्स करनी है। ये ये इस तरह आप 10 रेप्स करेंगे, 10 रेपिटिशंस करेंगे।
नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे एब्स के लिए, लेग रेजेस करेंगे। लेग रेजेस 15 रेपिटेशंस करेंगे। लेग रेजेस आपके जो लोअर पार्ट है एब्स के, इसी पे काम होता है। ये जो लोअर पार्ट है इसके लिए है लेग रेजेस। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप लोग देख लेना। ये 15 रेपिटेशंस करनी है, ले डाउन ऑन द फ्लोर, लेग रेजेस करेंगे। ये अगर आप कर सकते हैं टुगेदर भी करेंगे 50 रेपिटेशन। ये लोअर एब्स के लिए है। ये आप इस तरह करेंगे सेम। इसके तीन रेपिटेशन सेट्स करनी है। तीन सेट्स के बाद 30 सेकेंड आपने सिर्फ ब्रेक लेना है, उसमें आप पानी सिप करेंगे और वापस फ्लोर पे आएंगे। अभी हम फोर सेट की तरफ जाएंगे। फोर सेट के मैं एक्सरसाइज सिखाऊंगा। हम करेंगे डंबल शोल्डर प्रेसिस। आपने कैसे करनी है ये आपने देखना। ये डंबल्स है, आपने पिक किया। आप डंबल्स यहीं पे होंगे। आप 10 रेपिटेशंस करेंगे अल्टरनेटेड। प्रेस अप, लॉक द टॉप, प्रेस अप, लॉक द टॉप। ये आप देखें 10 रेपिटेशंस आपने शोल्डर मसल के लिए है और शोल्डर पे फीलिंग लेकर आना है। ये आप 10 रेप्स करेंगे। नेक्स्ट वी सिटअप्स करेंगे। वी सिटअप्स आपके अपर एब्स के लिए होता है। ये जो हिस्सा है अपर एब्स, इसके लिए वी सिटअप्स यहाँ पे काम होता है। लेकिन सेकेंडरी मसल आपका लोअर एब्स भी है। ऐसा नहीं है कि आप खाली अपर उस पर होता है, काम लोअर एब्स पे भी होता। सेकेंडरी मसल आपका लोअर एब्स है, लेकिन सिटअप्स एक्चुअल हिट करता है आपके अपर ये मसल को यहाँ तक। मैं अभी आपको वी सिटअप्स करके दिखाऊंगा। वी सिटअप्स आपने करनी है 15 रेपिटेशंस, ठीक है। अगर आप लोग ये हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, वी शेप बनानी है, ये यहाँ से आपने फिट को टच करनी है। ये अगर ये आप नहीं कर सकते हैं तो आपका पांव नीचे होगा। ये यहां से आप नीज को टच करेंगे 15 रेपिटेशन। इसको आपने रिपीट करनी है। जब आप ये 15 रेपिटेशन 3 सेट करेंगे, फिर उसके बाद आप 30 सेकंड ब्रेक लेंगे। 30 सेकंड बाद आप पानी सिप करेंगे, वापस फ्लोर पे आएंगे। हम अभी फिफ्थ सेट करेंगे। फिफ्थ सेट शुरू करेंगे, हम करेंगे इंटीरियर चॉप्स और साथ साथ बाइसिकल एब्स करेंगे। इंटीरियर चॉप्स कैसे करनी है आपने मुझे देखना है। सेम 15 रेपिटेशंस करनी है। आपके पास केटल बेल होगा, ये यहाँ से आप इंटीरियर चॉप्स करेंगे। सेम ये यहाँ से बैक स्ट्रेट रखना है। ये गो फॉर स्क्वाट पोजीशन एंड ब्रिंगिंग अप। ये आपने मुझे देखना है, बैक को बिल्कुल राउंड नहीं करनी है, जस्ट गो डाउन एंड अप। ये फोरहेड लेवल तक आएगा, ये केटल बेल स्विंग होगा फोरहेड लेवल तक। आपने सेम 15 रेपिटेशंस करनी है, 15 रेपिटेशन। ये इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट बाइसिकल एब्स। बाइसिकल एब्स आपके ओब्लिक्स को हिट करता है साइड्स पे, और सेकेंडरी मसल आपका जो लोअर एब्स भी हिट होता है और अपर एब्स भी। लेकिन ये साइड, ये आपके साइड ओब्लिक्स के लिए है। सेकेंडरी मसल आपका पूरा एब्स काम करता है। आपने मुझे देखना है बाइसिकल एब्स कैसे करनी है। जैसा आप बाइसिकल को पैडल लगाते हैं इस तरह आप करेंगे। ये इस तरह आपने 15 रेपिटेशंस करनी है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, आप सिंपल करेंगे, यहां से ये टच करेंगे। ये वेरी सिंपल। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट होता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इतने आप अच्छे होंगे। ये अगर ये भी आपसे नहीं होता, आपके बैक में पेन होता, तो हम थर्ड ऑप्शन भी देंगे आप लोगों को। थर्ड ऑप्शन में भी आपको एक्सरसाइज बताएंगे। ये यहाँ से क्रॉस योर फीट
क्रॉस योर नी, टच योर नी, ये 15 करेंगे। ये एक्सरसाइज प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो आपने करनी है हर सेट के जैसा शुरू में हमने किया, पुशअप्स, साइड स्टेप, रीच डाउन टू फॉरवर्ड प्रेसेस, ये आप करेंगे। जितना मैंने रेप्स बताया है वही रेप्स करेंगे और 3 सेट करेंगे। एक सेट ख़त्म हुआ, नेक्स्ट सेट, थर्ड सेट, थर्ड सेट कंप्लीट होगा, आप पानी पियेंगे, टेक ब्रेक। फिर इसी तरह सारे एक्सरसाइज के 3-3 सेट करेंगे और 3 सेट कंप्लीट होने के बाद जितना रेप्स बताया है वो रेप्स कंप्लीट करने के बाद आप 30-second ब्रेक लेंगे। मैक्सिमम इस प्रोग्राम की ये 30 मिनट का प्रोग्राम होगा आपका। इस 30 मिनट प्रोग्राम के अंदर आप लोग मैक्सिमम 2 मिनट्स ब्रेक लेंगे। 2 मिनट्स ब्रेक के अलावा बिल्कुल आपने ब्रेक नहीं लेनी है। अगर आप शुरू में बिगनर्स हैं, आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है या शुगर ड्रॉप होता है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास ORS है, कैल्सी है 1000+, आप अपने पास रखें, पानी में डालें, उसको पिए। अगर शुगर लो होता है, ब्लड प्रेशर लो होता है, अगर आपका शुगर ड्रॉप होता तो आपके पास कोई चॉकलेट रखे, कोई ऐसे मीठी चीज़ रखे जो आप खाएं और फिर कंटिन्यू कर सके। अगर फिर भी आपको चक्कर आता है तो परेशानी वाली बात नहीं है, आपके पास कोई चेयर होगा, आपने सामने रखना है, ले डाउन होना है और पांव चेयर के ऊपर रख के आपने 1-2 मिनट यहाँ पे रेस्ट करना है। जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, गेट अप और आप पानी पिए, कुछ भी पिए। आप जैसा सोचेंगे इस तरह ही ये आपका बॉडी रिएक्ट करता है। आप ऐसे सोचेंगे आफ्टर फिनिश वर्कआउट, आप अपना गोल है, आप बोलो इस वर्कआउट ख़त्म करने के बाद हम अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, ठीक है, वेट कम हो रहा है, हम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, वी आर गुड, वी आर स्ट्रॉन्ग, वी आर फिट, वी आर हैंडसम। आप ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग लाएंगे तो आपका बॉडी इस तरह का केमिकल्स आपके बॉडी के अंदर पैदा करेगा और आप स्ट्रॉन्ग भी होंगे, आपका वेट भी कम होगा और आप एक्सेलेंट होंगे। अगर आप नेगेटिव थॉट्स लेकर आएंगे, मैं बीमार हूँ, मेरे टांग में दर्द शुरू हुआ, मेरे पेट में दर्द शुरू हुआ, मेरे सर में दर्द शुरू हुआ, तो ये नेगेटिव थॉट्स है। फिर आपका बॉडी क्या करेगा, ऐसे केमिकल्स पैदा करेगा जिससे आपको पेन इंक्रीज होगा, ख़त्म नहीं होगा। इसलिए वंस यू फिनिश वर्कआउट आपने सोचना है, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम फिट, आई एम हैंडसम, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और इंशाल्लाह आप सब कुछ करेंगे और आपका बॉडी ऐसे केमिकल्स पैदा करेगा।